आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज जैसे ही वतन में पहुंची, देखती हूं बाबा बाप दादा कहीं से चक्कर लगाते वतन की ओर आ रहे थे। सूक्ष्म वतन में सामने बाबा को देख मैंने पूछा, बाबा आज कहाँ से किधर से चक्कर लगा के आ रहे हैं? बाबा एक सेकंड मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, बच्ची आज बाबा सभी सेंटरों का मधुबन का भी चक्कर लगाते हैं और आज बाबा विशेष बच्चों का चौपड़ा देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में मनुष्य आत्माएं अपने घाटे और फायदे का चौपड़ा देखते हैं, हिसाब निकालते हैं, तो बाबा भी आज विशेष सभी सेंटरों का सब जगह का चक्कर लगाते यह देख रहे हैं हर बच्चे ने ऐसे समय पर अपने कर्मों की श्रेष्ठ कर्म की कितनी कमाई की है, कितना भाग्य बनाया है, कितनी आत्माओं की दुआएं इकट्ठी की है। बाबा ये चौपड़ा देख रहे हैं बच्चों का। बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों का यह देखा, कई बच्चे तो ऐसे समय पर बहुत अपना निजी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, सभी सेंटरों का चक्कर लगाते और कई कोई ना कोई बात लेकर अपने आप को गफलत में डालते हैं। थोड़ा अलबेलापन वह भी बाबा देख रहे हैं और कई आज टीचर्स बहनों को भी बाबा ने पकड़ा। कई तो ऐसे समय पर अपने लौकिक संबंधी आदि में भी बुद्धि लगाए बैठे हैं। बाबा ने कहा बातें तो बहुत हैं पर बाबा इतने सुनाएगा क्योंकि देवताओं के लिए इशारा ही इतना काफी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर बाबा के कई बच्चे अपना बहुत निजी पुरुषार्थ बाबा के घर में यज्ञ में कणा दाना बीज बोना बहुत करते रहते हैं। बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे बहुत बाबा के घर में यज्ञ में डालकर अपना सूक्ष्म भाग्य बना रहे हैं। बाबा ऐसे सुना रहे थे, फिर एकदम देखती हूँ कि बाबा के बाजू में गुलजार दादी पहुँच गई और दादी को देखकर बाबा भी कहते हैं, बच्ची देखा आज बाबा क्या देख रहा है, सभी का चौपड़ा चिट्ठा ये बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे कहते हुए एकदम से जैसे एक प्रकाशमणि दादी बड़ी दादी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची
मेरे को सामने रखते हुए बाबा ने कहा गुलजार दादी के लिए, यह बच्ची तो निश्चिंत और निरसंकल्प रही और न्यारी होकर के रही। बड़ी दादी के लिए कहा कि बच्ची तो ला के बैलेंस में भी चलती थी और साक्षी दृष्टा होकर के भी यज्ञ को चलाया और संभाला। फिर इतने में देखती हूँ बड़ी दीदी को इमर्ज किया बाबा ने। आज बाबा ने कहा कि यह बच्ची भी समय के अनुसार ब्राह्मण बच्चों को चलाने में ला और लब का बैलेंस बनाकर चली। चौथी आत्मा कौन होगी? जानकी दादी को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने तो यज्ञ में रहकर यज्ञ में बैठकर यज्ञ प्रसाद बांटने का भी बहुत कार्य किया है। बाबा ऐसे सुना रहे थे और बाबा बीच में बैठे हुए थे। बाबा के एक बाजू में जानकी दादी गुलजार दादी और दूसरी बाजू में दीदी और दादी बैठे हुए थे। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने मर्ज किया है इन दादियों को कि सभी ब्राह्मण बच्चों का विशेष पोता मेल चिट्ठा देखने के लिए। बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्ची, ऐसे समय पर जो बाबा के बच्चों ने और यज्ञ में भी कर रहे हैं, अभी भी करते रहते हैं, उसके ऊपर बाबा ने एक उदाहरण दिया, एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार देखो बच्ची, एक छोटी सी सब्जी है आलू और सब्जियों का राजा है आलू। तो बाबा ने कहा कि आलू का बीज कैसे डाला जाता है और बीज निकलता कैसे, फल कैसे निकलता है, उस आलू को फिर लाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं और पकाते कैसे हैं, खाते कैसे हैं और बचाते कितना है। बाबा ने कहा ये बहुत दूरादेशी होकर के बच्चे देखे, एक छोटी सी सब्जी को लाने के लिए बीज से लेकर अंत तक जमा तक ये बाबा देख रहे हैं। ऐसे चीज नहीं उग जाती है, उसका बीज डाला जाता है और उस बीज से कितने आगे बढ़ते बढ़ते फिर जमा का खाता कितना होता है। उसी प्रकार बाबा हर बच्चे का यह संस्कार, यह संकल्प, यह मन के विचार बाबा देख रहे हैं, पुरुषार्थ को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब एक छोटी सी चीज को इतना समय देते आद से लेके अंत तक, तो आप बच्चे सोचो कि बाबा के घर में कितना ना बाबा ने बच्चों को सुख दिया है, आनंद दिया है, प्रेम दिया है, बाबा ने सब कुछ दिया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ऐसे समय पर सर्व बच्चों को, सिर्फ मधुबन के नहीं, सर्व सेंटर्स के बच्चों को भी इतना स्नेही सहयोगी बन के चलना है और अन्य आत्माओं को भी उसी प्रकार चलाना है। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और बाबा के सन्मुख तो भोग की थाली रखी थी। आज कई आत्माओं का भी विशेष भोग था। बाबा ने उन भाई बहनों को, उन बच्चों को वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करते जैसे कि बाबा ने आज विशेष जिन दादियों को इमर्ज किया, उन दादियों को बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा मेरे
मुरब्बी बच्चे हैं, आदि रतन हैं, तो बाबा पहले इनको खिलाएंगे, स्वीकार कराएंगे, फिर और बच्चों को। ऐसे कहते बाबा ने, जैसे कि दो दो दादियां दोनों तरफ बैठी थी और बहुत ही बड़े प्यार से चारों दादियों को गले लगाते हुए, और जैसे कि चारों दादियां और बाबा सभी भाई बहनों के ऊपर सब जगह का जो चक्कर लगाया बाबा ने, सभी को बहुत ही कहीं शक्तिशाली दृष्टि देते, प्रकाश की दृष्टि देते। जैसे कि बाबा ने उन्हें मर्ज कर दिया और जिनका भोग था उन्हें भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया, और बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति।